उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में समाजवादी पार्टी के नेताओं और पुलिस के बीच में जमकर झड़प हो गई। ये घटना उस वक्त की है जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली में ही एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दरअसल धक्का मुक्की का कारण था सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में जाने की कोशिश, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घटना का एक वीडियो ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा, अखिलेश यादव यूपी की जनता को कहते नहीं थक रहे, आ रहा हूं। क्या यूपी में यही गुंडा राज, माफिया राज लाने के लिए आप आना चाहते हैं? घटना में डिप्टी एसपी को पीटते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। हमारे मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, सपा के कुछ कार्यकर्ता द्वारा कुछ ज्ञापन देने का वो था, उनसे पूर्व में भी संपर्क किया था, उनके बाद बताया था जो भी इनका ज्ञापन है वो शांतिपूर्वक दे दीजिए, पर इनके द्वारा मूवमेंट की गई और यहाँ से सभा स्थल से अलग ही बहुत दूर थे, लगभग 8-10 किलोमीटर यहाँ सभा स्थल से काफ़ी दूर थे, पास नहीं थे, तो वहाँ पर जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश करी तो ये इन्होंने धक्का मुक्की करी। उसमें पुलिस की तरफ से भी कुछ कार्रवाई हुई है, तो उसकी जांच करके जो भी उसमें कार्रवाई रहेगी वो की जाएगी, जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो करी गई जाएगी उसके अंदर। नहीं, कोई परमिशन नहीं था, बिल्कुल परमिशन नहीं था, और पूर्व में भी संपर्क किया गया था, उनके द्वारा बताया गया था जो भी आपका ज्ञापन है वो आप शांतिपूर्वक दीजिए, पर उनके द्वारा शांति भंग की गई तो उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा उनको रोकने के लिए वो कार्रवाई की गई। माननीय विधायक जो जनप्रतिनिधि है, माननीय विधायक भी है, एक डिप्टी एसपी अधिकारी के साथ फिर पकड़ना और लड़ना, देखिए वो जैसे मूव कर रहे थे और पुलिस ने बोला था कि आप शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन वहीं पे खड़े होकर दे दीजिए, उनके द्वारा ज्ञापन नहीं दिया, मूवमेंट किया गया तो पुलिस को रोकने की उनको कार्रवाई करनी थी, तो पुलिस ने अपनी अपनी फोर्स लगाते उनको रोका गया कि आप आगे मूव मत करिए, तो उसमें जो भी चीज़ हुई है उसकी जाँच भी कराई जाएगी, उसमें जो विधिक कार्रवाई करनी है जिनके द्वारा शरारत की है उसकी तरफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।